नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एडुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 6 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जिसकी दिनांक है 1 अक्टूबर 2020। बच्चों, ये कार्यपत्रक का जो वो है, अब टाइटल है, शीर्षक है, वो है बचपन और बचपन का भाग 2 आया है, है ना। कार्यपत्रक संख्या 3 में हमने जाना था बचपन पाठ की लेखिका जो है कृष्णा सोबती, अपने बचपन की यादें बता रही है, बातें बता रही है कि वह बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, छुट्टी वाले दिन उनकी क्या दिनचर्या थी, ये हमने पहली वर्कशीट में देखा था। आप देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है, मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। मतलब डिफरेंस तो आया है ना, उनका टाइम अलग था, हमारा टाइम तुम्हारा टाइम अलग है। बच्चों, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। जो लोगों को जो पहले किसी और चीज़ में दिलचस्पी होती थी, इंटरेस्ट होता था, अब किसी और में है। याद रखिए, उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, जैसे आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है, वो नहीं थे, ग्रामोफोन थे। रेडियो और टेलीविज़न भी नहीं थे तब तो। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। वो कह रहे हैं पहले उनके बचपन में कुल्फी मिलती थी, अब उसको आइसक्रीम बना दिया है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। पहले कचौड़ी समोसा मिलता था जो ज़्यादा बनता था, अब पेटीज ज़्यादा होती हैं, शहतूत और फल से और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में। मतलब ये चीज़ें कम मिलती हैं, शहतूत, फल से, खसखस। अब क्या है, लोगों की दिलचस्पी इंटरेस्ट किस में होता है, कोक पीने में, पेप्सी पीने में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड या विमटो मिलती थी। मतलब उस टाइम पे कोक पेप्सी नहीं थी, दो चीज़ें थी, लेमनेड और विमटो, ठीक है। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरों की चॉकलेट पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती है थी। जो नई दिल्ली में लोग रहते थे, उन्हें जो वेंगर्स और डेविको रेस्तरा हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, वहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत बड़ा अच्छी लगती थी। हम भाई बहनों को एक ड्यूटी लगती शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की, और कृष्णा सोबती जी बता रही हैं कि हम सारे भाई बहनों की जाना पड़ता था शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लेने के लिए। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान तक पहुँचे कि थोड़ी सी चढ़ाई करके उनको मॉल तक जाना पड़ता था। वहाँ से एक उतराई उतरते और माल पर, और वहाँ जब वो चढ़ाई उतरते, मतलब चढ़ाई चढ़ के जाते और फिर ढलान पे नीचे जाते, तो वो कहाँ पहुँच जाते, मॉल पे पहुँच जाते। और फिर उसके बाद कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी, मतलब उनको बड़ी मनभावन लगती थी, बड़ा ही उनका मन मोह लेती थी जब वो खुशबू आती थी पेस्ट्री और चॉकलेट वगैरह की। हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, मतलब उनके पेरेंट ने बोल रखा था कि हफ्ते में एक चॉकलेट खा सकते हो। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था, और वो क्योंकि अपनी चॉकलेट टॉफ़ी इकट्ठी कर लेने की आदत थी उनकी, तो कह रही है कि मेरे पास ही सबसे ज़्यादा रहती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, मतलब उनको ये आदत नहीं थी कि दुकान पे ली और खा ली, घर लौट कर साइड बोर्ड पर रख देती, और जो साइड बोर्ड था उनके यहाँ पे उस पर रख देती, और रात को खाने के बाद बिस्तर पर लेट कर मज़ा लेकर खाती, मतलब वहाँ पे रास्ते में नहीं खाती थी, बिस्तर पर लेटकर आराम से खाती थी। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, फटाफट कर लेते हैं। लेखिका कृष्णा सोबती अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, आप भी इन चीज़ों को खाती हैं क्या, आप भी इन चीज़ों को खाते हैं, तो बच्चों ये आंसर आप लिख देंगे इस तरीके से। लेखिका रात को खाने के बाद मज़े से चॉकलेट खाती थी, हाँ ये चीज़ें मुझे भी पसंद है। चलिए, तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, इस बात के लिए लेखिका का क्या क्या उदाहरण है देती है। चलिए, तो बच्चों प्रश्न 2 का उत्तर हम इस तरीके से लिखते हैं। उन दिनों ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे, उन दिनों कुल्फी और आइसक्रीम अब पेटीज और समोसे में बदल गई हैं, तो ये इनको उस टाइम ये चीज़ें थी और अब ये हैं। चलिए, अब तीसरा प्रश्न क्या है, हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं, अपने दोस्त या भाई बहन से बातचीत करिए और विभिन्न प्रकार के भोजन लिखिए। तो बच्चों आपको अपने परिवार के सदस्यों से पूछकर कुछ भोजन के नाम लिख देने हैं, जैसे कचौड़ी, बर्गर, मट्ठी, बर्फी, हलवा, इडली, छोले भटूरे, पोहा, डोसा, ठीक है। तो ये आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है। पाठ से ऐसे शब्द को छांट दीजिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं।
तो वो पार्ट से हमें प्रश्न वो सॉरी शब्द छाट के लिखने हैं जो आपने पहली बार सुने हैं। तो आपने विम्टो, लेमनेड, खसखस, फालसे, भावनी और ग्रामोफोन मुझे लगता है पहली बार सुना होगा, तो मैंने ये शब्द आपके लिए लिख दिए। ठीक है बच्चों, चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके लिखिए। तो बच्चों इस तरीके से लिख देंगे आप इसका आंसर कि एक बार जब मैं छोटा था अपने मम्मी पापा के साथ एक नदी के पास से जा रहा था, उसमें तरह तरह के फूल थे जिसने मेरा दिल मोह लिया। ठीक है, मनमोहक घटना लिखनी है। तो बच्चों इसका आंसर आपके पांचवें प्रश्न का ये हो जाएगा। तो बच्चों तो ये थी आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट और मैं आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी, मदद मिली होगी। अगर आपको मदद मिली है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप नए आए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू।